तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमारे महादेव यहाँ पे विराजे हैं और नंदी महाराज जी यहाँ पे हैं। बट जो नारियल फोड़ने का जो स्थान है और एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर भी स्थित है। तो आइए अभी हम लोग दिखाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार प्रणाम और नमस्कार। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज का इस ब्लॉग में और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जगह लेकर आया हूँ इन खूबसूरत वादियों के बीच में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है और इस पहाड़ के नीचे से भी दर्शन देख सकते हैं, उधर कितना मस्त लग रहा है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक ऐसा मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुरानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक बार अगर आप आते हैं श्रावण मास में और अगर आकर एक बार आप यहाँ जल अर्पण करते हैं तो आपका हर मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और ये सच भी है कि ये मंदिर का नज़ारा या फिर इस तरह पहाड़ों के बीच में स्थित होना काफ़ी प्राचीन या फिर तो काफ़ी अलग कह सकते हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों को मैं आगे चल के मंदिर दिखाऊंगा और पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मंदिर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फील ऐसा होगा कि मानो आप केदारनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो केदारनाथ का मंदिर का जो दृश्य है या फिर जो शिवलिंग का आकृति उसी डिज़ाइन का यहाँ पे आप लोगों को शिवलिंग और मंदिर का दर्शन करने को मिलेगा। तो दोस्तों बिना देर के चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के मंदिर का पूरा दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद ज़्यादा आया होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा दूसरे लोगों तक, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को ये जगह के बारे में पता चले। और बाकी चलिए आगे हम लोग जाके मंदिर में मिलते हैं। दोस्तों फाइनली देखिए अभी हम लोग रोड के पास पहुंच चुके हैं, वो रोड जहां से कि हम लोग मंदिर को घुसेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो ये है हम लोग का नेशनल हाईवे और जैसा कि आप लोग गेट बना हुआ दिख रहा होगा तो इसी से होकर हम लोग अभी आगे की ओर चलेंगे। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को अभी रास्ता दिखाते हुए हम लोग मंदिर तक ले कर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग गेट प्रवेश करेंगे आप लोग को बायां साइड में माँ दुर्गा का एक मंदिर दिखेगा और उसके बाद आगे इसी रोड से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चलिए और बढ़ने के बाद में आगे आप लोगों को स्कूल मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और मान जी, और फिर इसके बाद यही रोड हम लोग पकड़ के सीधे हम लोग चलेंगे और आखिरी हम लोग मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो बाकी हम लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और ये कुछ देख रहे होंगे कि किस तरह का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इस हरियाली के बीच में आप लोगों को आके कहीं ना कहीं सुकून महसूस होगा। तो इसलिए आप लोग जरूर आइएगा और भोले बाबा का दर्शन कीजिएगा। अभी चलिए बाकी आप लोग दिखाते हैं पहाड़ की चोटियों पर हमारे जो भोले बाबा निवास कर रहे हैं उस स्थान तक हम लोग जाते हैं और आप लोगों को भोले बाबा से मिलाते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ कि आप लोग आने के बाद में रास्ता भटक सकते हैं। तो देख सकते हैं कि एक रोड इधर है और एक रोड इधर है, तो हम लोग को इधर वाला रोड नहीं जाना है, हम लोग को ये वाला रोड में जाना है और इस रोड से होते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो बाकी चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं रोड थोड़ा सा कच्चा वाला है, पर आप लोग को यहाँ थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा और सावन मास में अगर आते हैं तो बारिश अगर रहता है तो उस बीच में थोड़ा स्लिपन हो सकता है, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक चढ़िएगा इस रोड में क्योंकि रोड थोड़ा सा उबड़ा खबड़ा है, बाकी सही है, उतना भी ख़राब नहीं है। चलिए अभी हम लोग आगे पहुँचते हैं मंदिर की ओर, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग का महादेव कहाँ निवास कर रहे हैं उसको। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं महाकालेश्वर धाम के परिसर में, जहाँ पे कि हम लोग बाइक पार्किंग वगैरह सब करते हैं, देख सकते हैं इधर यहाँ पे, और जो भी बाइक पार्किंग का चार्ज नहीं लगता है, फ्री रहता है। और जो भी पूजा के दिन हम लोग को जो प्रसाद वगैरह मिलता है वो सारा चीज़ यहीं पर मिलता है, यहीं से खरीद के हम लोग इस रास्ते से होते हुए मंदिर तक जाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग बाइक इधर पार्क कर दिए हैं और अभी हम लोग इस रास्ते से होते हुए ऊपर की ओर चलते हैं। ज़्यादा नहीं, 200 से 250 मीटर ऊपर चढ़ना है हम लोग को पहाड़ में और पहाड़ के नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए यहाँ श्रावण मास का तैयारी भी हो चुका है किस तरह से, तो आगे चलते हुए आप देखिए।
तो ये हम लोग चढ़ रहे हैं अभी सीढ़ी, देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं देखिए बाबा के पास में, और अभी हम लोग अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर बाबा का दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो भी हम लोग का जो घर है, यानी कि जो नीचे का गांव, वीडियो घुमा के आप लोग दिखाते हैं। देखिए कितना नीचे है और हम लोग जो है कितना ऊपर आ चुके हैं, इधर करो। और हम सबको तो पता ही है कि महादेव हमेशा जो भी है ये चोटियों पे निवास करते हैं, और उन्हीं पहाड़ों चोटियों के बीच में ये जो महाकालेश्वर धाम जो कि ओरमांझी में स्थित है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और फिलहाल देखिए बारिश भी काफ़ी तेज़ हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ आप लोग को भी दिखाते हैं और आप लोगों को भी बाबा का दर्शन करवाते हैं। बाकी चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है गेट, और चलिए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं, और अंदर चलते हैं उसके बाद फिर सबसे पहले तो हम लोग महादेव का परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मेन मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि हम लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा नंदी महाराज जी का दर्शन होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और इस तरह से हम लोग मंदिर का एक चक्कर पूरा करते हैं, उसके बाद में फाइनली मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। बाकी दोस्तों मैं बता दूँ कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही इतना ज़्यादा शांत माहौल आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा मानो कि आपके अलावा और यहाँ दूसरा कोई आपके साथ है ही नहीं, इतना ज़्यादा शांत माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह से हम लोग मंदिर का परिक्रमा पूरा करते हैं। और तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे फाइनली गेट के पास पहुँच गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ जाकर माथा टेकता हूँ, भोले बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ, फिर आप लोगों को महादेव से मिलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो हमारे महादेव यहाँ पे विराजे हैं और नंदी महाराज जी यहाँ पे हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं मंदिर परिसर भोले बाबा जी का कितना मस्त लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर आइएगा और बाबा का दर्शन कीजिए, और साथ ही साथ जो भी आप लोगों के मन में जो भोले बाबा से मांगना चाहते हैं आके आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर मांगिए। और दोस्तों आवाज़ देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे गूंज रहा है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है काफ़ी सुंदर शांत स्वभाव का। आप यहाँ पे आके जितना देर चाहें समय बिता सकते हैं, यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर या फिर कह सकते हैं इतना शांत माहौल है। आपको आने के बाद यहाँ पे ऐसा महसूस होगा, मानिए ऐसा कि हम लोग कैलाश पर्वत पे भोले बाबा जी के साथ में विराजे हैं। जैसा कि वहाँ का माहौल शांत है, उसी तरह से हम लोग का यहाँ का माहौल शांत है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर आइए और भोले बाबा का दर्शन करिए और अपना मनोकामना पूर्ण कीजिए। बाकी आप सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जो भी महादेव के भक्त होंगे। और बाकी चलिए और भी हम लोग बाहर चलते हैं, और बाहर में जो कुछ है और अलग अलग चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी जाने से पहले एक बार भोले बाबा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। बाकी आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आशीर्वाद ले लीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के ऊपर साइड में चढ़े हैं, और अभी देख रहे होंगे कितना मस्त यहाँ का जो हरियाली नज़ारा है। और ये कुछ ऊपर से थोड़ा मंदिर का दृश्य जो आप लोगों को दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अभी से महादेव का मिलना हम लोग का सफल हो गया, बारिश भी यहाँ पे आए तो स्टार्ट हो गया है। बाकी देखिए अभी हम लोग जाते हैं भोले बाबा के पास में, बचते हैं थोड़ा देर और देखते हैं कितना देर बाद में बारिश छूटता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और भी आगे आप लोगों को दिखाना बाकी है, नीचे चल के आप लोग दिखाएंगे अभी जो कि नारियल बलि दिया जाता है, साथ ही साथ जो तुलसी माता का जो पिंडार सब है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बाबा का दर्शन कर लिए, और आई होप कि आप सभी लोग भी दर्शन किए होंगे। बाकी हम लोग अभी बाहर निकले हैं और इधर हम लोग जा रहे हैं, देखिए इधर जहाँ पे कि
जो नारियल फोड़ने का जो स्थान है और एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर भी स्थित है। तो आइए अभी हम लोग दिखाते आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ तुलसी माता का भी यहाँ पे देख सकते हैं, तुलसी माता का भी यहाँ पे पीड़ा बना हुआ है। और जो मैं बोल रहा था छोटा शिवलिंग है, यहाँ देखिए दुर्गा माँ है और साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे और सारे शिवलिंग है देख रहे होंगे यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी लोग बाबा का दर्शन कर लिए और साथ ही साथ हम भी दर्शन कर लिए। तो बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलिए हम लोग घर चलते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी तरह का एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।